खीर एक ऐसी डिश है जिसे हम एक बार खाते हैं तो बार-बार खाने का दिल करता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चावल के खीर की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम समय में बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस रेसिपी को हम शुरू केसरिया करते खीर हैं। बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने 1/3 कप चावल लिया है। यहाँ पे मैं छोटे वाले चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जब भी खीर बनाए तो छोटे वाले चावल का ही इस्तेमाल करें। अब हम 3 से 4 बार इसे अच्छी तरीके से धो करके ले लेंगे। और ये लीजिए, हमने इसे धो लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। दूध डालने के बाद हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। और ये लीजिए, दूध में उबाल आ चुकी है। अब हम इसे एक बार इस तरीके से चला लेंगे। अब हमने जो चावल को धो करके रखा हुआ है ना, हम इसे इस टाइम पे ही चावल इसमें डाल देते हैं, क्योंकि चावल की खीर है ना, तो चावल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। चावल डालने के बाद आप इसे इस तरीके से एक बार चला लें। अब यहाँ पे हमने दूध में भिगो करके केसर ले लिया है, इसे अब हम डाल देंगे, क्योंकि आज हम केसरिया खीर बना रहे हैं तो केसर तो देना बनता है। केसर डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। चावल डालने के बाद इसमें उबाल आ चुकी है, इसे हम चलाते हुए अच्छी तरीके से पका लेंगे। बीच बीच में आप चावल के खीर को चलाते रहें, नहीं तो ये तले से चिपक जाएगी। इस तरीके से आप बीच बीच में चलाते जाएं। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, दूध भी गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। साइड में जो मलाई जम रही है ना, उसे आप स्क्रच करते हुए इसे आप खीर में मिलाते जाएं। इससे क्या होगा ना कि खीर काफ़ी क्रीमी बन के तैयार होगी, काफ़ी गाढ़ी बन के तैयार होगी। ये आप देख सकते हैं, केसर डालने के बाद कलर बिल्कुल ही खीर का चेंज हो चुका है। ये देखिए, केसर डालने के बाद इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही अच्छी खीर बन के तैयार होगी। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाएं। अब यहाँ पे हमने आधे कप चीनी डाल दिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे डाल करके हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। थोड़ी सी हमने किशमिश ली है, थोड़ी सी हमने बादाम, थोड़ी सी हमने काजू और थोड़ी सी हमने पिस्ता ली है। सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल ही बारीक काट करके ले लिया है। हाफ टी स्पून यहाँ पे हमने इलायची पाउडर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, खीर हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। खीर बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम इसे ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। और ये लीजिए, केसरिया खीर बन के बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी गाढ़ी खीर बन के तैयार हुई है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। लोग तारीफें करते हुए थकेंगे नहीं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स की गार्निश कर देते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हमने थोड़ी थोड़ी बचा के रखी हुई थी ना, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। थोड़ी सी हम बादाम डालेंगे, थोड़ी सी हम इसके ऊपर काजू डालेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता डाल देते हैं। उसके बाद डालेंगे हम केसर, क्योंकि ये केसरिया खीर है तो केसर तो देना बनता है। ये देखिए,
उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी रोज़ के पेटल्स डाल देते हैं ताकि देखने में ये और भी टेम्पटिंग लगेगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खीर बन के तैयार हुई है। ये देखिए, अब मैं आपको खीर की थोड़ी सी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये रूम टेम्परेचर पे रखी हुई खीर है, इससे ज़्यादा गाढ़ी ये नहीं होगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।